नमस्कार बहरापन या कम सुनाई देने के अनेक कारण हो सकते हैं उदाहरण के लिए सर्दी लगना एकाएक ऊंची आवाज कान में पड़ने के कारण कान बंद हो जाना सिर पर चोट लगना कान पकना कान में मैल जमा हो जाना किसी पुरानी बीमारी के कारण या कूनिन का अत्यधिक सेवन करना इन कारणों से व्यक्ति ऊंचा सुनने लगता है इस वीडियो में हम बहरापन को ठीक करने की होम्योपैथिक दवा के बारे में जानेंगे सबसे पहली दवा है मग सॉल्ट थर्टी पाउडर में अगर यूस्टेकियन ट्यूब के सूजन से बहरापन हो तब इसका प्रयोग किया जाता है प्राय जुकाम हो जाने पर उसका रूप कान की तरफ हो जाता है मुंह से कान की ओर जाने वाली नली में सूजन हो जाता है उसके कारण नली बंद हो जाती है तब मर्कसोल ठट्टी दवा का हमें सेवन करवाना है अर्थात अगर यूस्टेकियन ट्यूब में किसी तरह की खराबी है तो मर्कसोल का हमें सेवन करवाना है दूसरी दवा काली म्यूर सिक्स एक्स में बहरापन के लिए यह आमतौर पर दी जाती है इससे किसी भी कारण से अगर बंद कान हुआ है तो वह खुल जाता है प्राय ट्यूब के सूजन से ही कान बंद हुआ करता है मर्क डल्सिस भी इस नली के बंद हो जाने पर उपयोगी है। अगर बहुत दिनों से कान बह रहा हो और उसके कारण बहरापन हो जाए तो मर्क्यूरियस डलसिस थर्टी देनी है अगर काली म्यूर और मर्क डलसिस से लाभ ना हो तो हमें हाइड्रेस्टिस थट्टी और मेजेरियम थट्टी का उपयोग करना होता है यहां मैंने चार दवाइयां बताई है यूस्टेकियन ट्यूब में खराबी आई तो काली म्यूर सिक्स एक्स साथ में अगर बहुत दिनों से पीब निकलता है कान से कान बहता है तो उसके कारण भी बहरापन हो जाता है जिसमें मर्कडल्सिस बहुत उपयोगी दवा है अगर काली म्यूर मर्कडल्सिस से लाभ ना हो तो एक बार हमें हाइड्रेस्टिस थट्टी और मलजेरियम थर्ट्टी का भी इस्तेमाल करना होता है आगे देखें तो कैल्किरिया कार्ड थट्टी बच्चों के बहरापन में यह बहुत उपयोगी है अगर बच्चों के लिए बहरापन है तो हमें कैल्किरिया कार्ड का सेवन अवश्य करवाना है

बिल्कुल सुनाई ना दे तो ऐसे में ग्रेफाइटिस एक लक्षण और है कि बचपन से कम सुनाई देना ऐसे में ठट्टी शक्ति से इलाज शुरू कर देना चाहिए कुछ दिन बाद उच्च शक्ति देनी चाहिए महीने भर इलाज करना चाहिए और प्रत्येक महीने ट्यूबरकुल सौ शक्ति की एक मात्रा अवश्य देते रहना चाहिए ट्यूबरकुलम देने के दो दिन पहले और दो दिन बाद कोई दवा नहीं देना चाहिए तो अगर बचपन से ही बहरापन है तो ग्रेफाइटिस बिल्कुल दिया जा सकता है और साथ में मैंने बताया कि महीने में ट्यूबरकुल सौ शक्ति का इस्तेमाल हमें करना है महीने महीने उसको भी देते जाना है आगे तो ठंड या खसरा के अगर बहरापन आया हो तो का करना है। कान की, की मोम ना होने के कारण बहरापन हो तो कार्बोवेज किसी को कान में बहुत खुशकी रहता है सूखापन रहता है खुजली मस्ती है उसके कारण बहरापन होता है कान में मोम ना बनने के कारण बहरापन होता है तो उसमें आपको कार्बोवेजी का इस्तेमाल करना है तो यहां मैंने बहरापन के लिए उचित दवा और मुख्य मुख्य दवा का वर्णन कर दिया है आशा करता हूं आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें धन्यवाद